स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. कहते हैं एसी कंपनी इज एवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ ए न्यू मशीन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी विच हैज अ शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी. मशीन इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 1 मिलियन. ये हमारी क्या आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट. नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवन 35, 53, 75 and 36. ट्रिपल जीरो राउंड ऑफ है. सेलिंग प्राइस इन करंट प्राइस टर्म्स एट $20 पर यूनिट. इसका मतलब क्या, हमें इन्फ्लेशन ईयर 1 से ऐड करनी है. वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है $12 की. ये भी करंट प्राइस टर्म्स के अंदर है. सेलिंग प्राइस की इन्फ्लेशन है 4%, वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन है 5%. हर साल हर आइटम की इन्फ्लेशन डिफरेंट है. स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स आर गिवन. इसका मतलब हमें मनी मेथड यूज करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट वी विल कॉल फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल. एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल विद इन एसी कंपनी इंडिकेट्स दैट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल फॉर प्रोडक्ट पी विल बी नीड टू बी 7% ऑफ सेल्स. हम हर साल सेल्स का 7% लेंगे. एक साल पहले वो आएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिर उसका हम क्या ले लेंगे, चेंज ले लेंगे. फिर उसके बाद कहता है टैक्स है 30%. सेम ईयर का रूल है, उसी में पे करना है. लाइबिलिटी टैक्स इज रिड्यूस बाय कैपिटल अलाउंसेस और कैपिटल अलाउंसेस पे होगा स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर. ठीक है जी, आगे चलते हैं. और मशीन की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है जी, 12% है. हमें जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, आईआरआर ऑफ द एआरआर. तो एक्सेल के ऊपर आपने किस तरह से करना है. ऑल्दो मैं एक्सेल पूरा यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसपे फंक्शंस लिमिटेड ही यूज करूंगा. मैं फंक्शंस वो यूज नहीं करूंगा जो इस पूरे एक्सेल के अंदर अवेलेबल होते हैं. तो हम सबसे पहले लिखेंगे ईयर्स. 000 राउंड ऑफ कर लें, आप लाइट ऑफ कर दें. इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे अगले वाले सारे सेल्स के अंदर. इसके बाद हम बनाएंगे ईयर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5. देखिए मेरे पास एक्सेल है जिसमें कीपैड नहीं है, मेरी स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन आपके पास कीबोर्ड होगा. आपने माउस का यूज लिमिटेड करना है. माउस का यूज कोई ओपन और क्लोज करने के लिए तो आप कर सकते हैं. माउस का यूज आप हर सेल के अंदर ले जाने के लिए नहीं करना. वो आपने एरो और राइट साइड पे जो कीपैड होता है वो यूज करना है. अच्छा, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने हैं. यहाँ पर यूनिट्स के साथ 000 राउंड ऑफ कर लें. अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट है 35, 53, 75 and 36. ये नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए. एक लाइन की आप स्पेस दे दें, नीचे आ जाएगा रेवेन्यू. रेवेन्यू में आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी सेल के अंदर कमांड देनी है तो आपको इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है. मैंने कमांड दी, मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलेक्ट किया कि मेरे पास 35 यूनिट्स हैं. इनटू मैं करूंगा सेलिंग प्राइस. इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितनी है, 20. ठीक है, साथ ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको इन्फ्लेशन से. कितनी इन्फ्लेशन है, 1.04. और मुझे हर साल की इन्फ्लेशन डालनी है. पहले साल में रेस टू पार 1, दूसरे साल में रेस टू पार 3, तीसरे साल में रेस टू पार 3 और चौथे साल में रेस टू पार 4. तो मैं शिफ्ट 6 प्रेस करूंगा, रेस टू पार आ गया. इसको सेल के साथ रेफर कर दिया मैंने ईयर 1 के साथ. 728 आ गया. इसको मैं कॉपी करूंगा और अगर हम सारे वाले सेल्स के अंदर पेस्ट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हर साल का रेवेन्यू आ गया. या आप इसको कट कर दें, इसके स्पेलिंग हम दोबारा देख लेते हैं. या ठीक है, अगर आप देखें सेल की वर्किंग तो नेक्स्ट वाले सेल में देखते हैं. नेक्स्ट वाले सेल में क्या हुआ है, D3 का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, 20 का मतलब सेलिंग प्राइस, 1.04 इन्फ्लेशन, रेस टू पार D2 का मतलब ये 2 लिंक हो गया. अच्छा, अब आ जाए वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर. वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स सेल के साथ रेफर कर दिया मैंने, इनटू क्या आएगा, कितनी है, 12, इनटू क्या आएगा, 1.05 रेस टू पार ईयर 1 का रेफरेंस दे दिया, 441. कंट्रोल सी, शिफ्ट प्रेस करके आप राइट मूव करेंगे, सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे. कंट्रोल वी कर दूंगा, कॉपी पेस्ट हो. कंट्रोल पी ना कर देना,
प्रिंट की कमांड होती है। इन फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट नहीं है, कोई और रेलेवेंट एक्सपेंस नहीं है, तो हम इसी के नीचे लिखेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोस का फॉर्मूला होगा रेवेन्यू माइनस ऑल कॉस्ट, एक ही कॉस्ट है तो माइनस कर दें, ये आ जाएगा। इसको नेक्स्ट वाले सेल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये जो राउंडिंग ऑफ नहीं हो रही, पॉइंट के बाद तीन डेसिमल चार डेसिमल आ रहा है, इग्नोर कर, इनको आप एक ही दफा सेलेक्ट करके राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसलिए अभी परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट आ जाएगा टैक्स, टैक्स आना है जी एट द रेट ऑफ 30%। यहां से ऑनवर्ड्स आप नेगेटिव का साइन भी पुट कर दिया करें। इसको सेलेक्ट किया मैंने 287 × 0.3, ये आ गया। सेम ईयर का है तो इसी के नीचे लिख देंगे, अगर एक साल एरियर होता तो ये वाला सेलेक्ट करते और 287 को रेफर बना के आप 30% लगाते, लाइक मैं करके दिखा रहा हूं। अगर एक साल एरियर होता तो आप माइनस अगले सेल में जाके 287 को सेलेक्ट करते और इनटू किससे कर देते आप 0.3 से, ये आपके पास आ जाता। खैर अभी तो नहीं है, अभी तो सेम ईयर का रूल है, तो मैंने पहले साल में फॉर्मूला लगाया, उसको कॉपी पेस्ट करूंगा, अगले वाले सारे सेल्स के अंदर वो पेस्ट हो जाएगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है कैपिटल अलाउंसेस, और फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड है, और अनफॉर्चुनेटली ये कि वो प्रैक्टिस हो जाती है दूसरे की, तो स्ट्रेट लाइन तो मैं यहीं पर ही कर सकता हूं, वो तो इतना आसान है। टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंसेस कैसे, जरा पहले साल में गए, फॉर्मूला क्या होता है स्टेट लाइन का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्रैप वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ कैपिटल अलाउंस। अगर हम गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1000, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, तो इनटू परसेंटेज ऑफ कैपिटल अलाउंस कितना है, 25% है या लाइफ है, लाइफ है, लाइफ है, डिवाइड कर देते हैं 4 से, ये हर साल का क्या आ जाएगा कैपिटल अलाउंस। डू वी नीड कैपिटल अलाउंसेस और टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 30% से या 0.3 से ऑब्वियसली, तो आपके पास क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, और ये 75 हर साल क्या रहेगा सेम, कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए नीचे, इसके अलावा हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल। क्या हम वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं, हमें क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग में जाके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा नीचे मूव कर रहा हूं। हाँ, मुझे इयर्स वाला सेल चाहिए होगा और एक रेवेन्यू वाला सेल चाहिए होगा, ठीक है, तो ईयर वाला सेल देख लें, A2 है और ये A5 है, तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं, मूव करते हैं, लेट्स से हम यहां चले गए। सबसे पहले हमने ढूंढा जी ईयर वाला सेल A2 और साथ ही इज इक्वल टू A5, ये रेवेन्यू आ गया। इन दोनों को कॉपी करेंगे राइट साइड के ऊपर, राइट एरो से राइट मूव किया, शिफ्ट प्रेस करके हमने कुछ सेल सेलेक्ट किए, उसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया, मेरे पास रेवेन्यू ऊपर से कॉपी हो गया। अब हम सब जानते हैं कि रेवेन्यू का 7% हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, और एक साल पहले लेना इज इक्वल टू 728 इंटू 0.07, ठीक है, इसको क्या कर दूंगा, कॉपी पेस्ट सारे सेल्स के अंदर। ऑब्वियसली लास्ट ईयर में आ नहीं सकता क्योंकि हम एक साल पहले ले रहे हैं वर्किंग कैपिटल, लेकिन हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चेंज चाहिए, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेन में जो पहला वर्किंग कैपिटल है ना, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेगेटिव में आपने ऐसे ही लिख देना, मैंने नेगेटिव का साइन लगाया और पहले वाला वर्किंग कैपिटल वैसे ही लिख दिया। फिर से देखें कैसे किया मैंने, इज इक्वल टू माइनस का साइन पुट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्किंग कैपिटल आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में फॉर्मूला लगाना है, नेक्स्ट ईयर में आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल चेंज, चेंज कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट वर्किंग कैपिटल माइनस नेक्स्ट ईयर वर्किंग कैपिटल, ये चेंज आ जाएगा, ऐसे करते हैं ना, 50 - 80 = 29 का नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जब भी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा वो आप नेगेटिव में पुट करेंगे। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, इसको कॉपी किया और अगले वाले सारे सेल में पेस्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा ये। सर लास्ट ईयर का कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर में जब जीरो से वो नेट हुआ तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब पॉजिटिव का मतलब है वो रिकवर हो गया, लास्ट ईयर में तो रिकवर होना है ना,
तो देखिए आपको पहले वाले दो साल में मेहनत करनी पड़ी, अगले वाले खुद ब खुद ठीक हो गए, तो अब मुझे ये सारी वर्किंग कॉपी पेस्ट करके ऊपर लेकर जानी। तो कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप सेल का रेफरेंस देंगे तो कभी मसला नहीं होगा। कॉपी पेस्ट में फॉर्मूला कॉपी शायद ना हो पाए, वो स्पेशल पेस्ट के जरिए से आपको फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं सेल का रेफरेंस देता हूँ, ये A35 सेल है, हमने ऊपर मूव किया, हम A35 जाके यहाँ पर लिखेंगे A35, तो हमारे पास क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल। इसी को राइट साइड पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो मेरे पास सारे सेल नीचे से लिंक हो गए। अब अगर एग्जाम में ये गलती हो भी जाती है ना, अब ये गलती ठीक करेंगे ऑटोमेटिकली पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया, इन्वेस्टमेंट है कितनी है, 1000 है, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, तो इसी के नीचे लिखेंगे, मैं इसको जरा थोड़ा इस तरह से भी कर देता, नेट कैश लॉस। फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू सम SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट प्रेस करके आप एक एरो से ऊपर आए, शिफ्ट प्रेस करके ऊपर वाले सारे सेल सेलेक्ट करें ऑपरेटिंग कैश लॉस तक, ब्रैकेट क्लोज की, मेरे पास आ गया सम आ गया, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा अगले वाले सारे सेल्स के अंदर। अब मैं लगाऊंगा डिस्काउंट फैक्टर, दैट इज 12%, क्या है 12% है, 12% आ गया, ठीक है 12%। अब क्या करना है, एक तो तरीका है कि आप फॉर्मूला शीट से देखें और जाके 12% वाला पुट कर दें यहां पर, क्योंकि समटाइम एग्जाम में ना वो कॉपी, ये जो सेल का कॉपी पेस्ट करना है ये शायद इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता, तो आप मैनुअली कर लें, फॉर्मूला देखें 12% पर जाके के 12% का डिस्काउंट रेट क्या क्या बनता है, वो यहाँ पर मैनुअली पुट कर दें, ठीक है। तो किस तरह से किया है जी, यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, इनटू 1.12 रेस टू पावर हमने क्या किया, माइनस सेल के साथ लिंक कर दिया, कौन से सेल के साथ, ईयर वाले सेल के साथ, 1 आया और फिर हमने इसको अगले वाले सारे सेल में क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर से देखें क्या किया हमने, हमने क्या किया, इज इक्वल टू 1.12 वन प्लस आर रेस टू पार माइनस और ईयर्स वाले सेल के साथ लिंक कर दिया, ये वन आ गया, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे अगले वाले सारे सेल्स के अंदर, तो आपके पास क्या आ गए, डिस्काउंट रेट्स आ गए। नाउ वी विल मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट्स विद द नेट कैश फ्लोस, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पीवी आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये वाला सेल मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इन सारी प्रेजेंट वैल्यू का हम लोग क्या ले लेंगे, कॉपी पेस्ट किया, अब इनका सबका सम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनपीवी आ जाएगी। देखते हैं किस तरह करना है, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, इस शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट किया तो आपके पास 90.64 इज एनपीवी, और ऑब्वियसली हम सब जानते हैं व्हेनेवर एनपीवी इज पॉजिटिव वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द बजट because it will directly increase the wealth of shareholders. अच्छा, अब IRR calculate करना है, IRR calculate करना है, इसी को क्या करेंगे, इसी net cash flows को दोबारा discount करेंगे, जरा देखिएगा, मैं इसको highlight कर रहा हूँ, इन्हीं को दोबारा discount करेंगे, let's say किसके ऊपर, 20% के ऊपर, is equal to 1.20 raised to power minus year zero के साथ हमने क्या कर दिया, years के साथ हमने link कर दिया, और इसको कंट्रोल कॉपी पेस्ट करेंगे अगले वाले सारे सेल्स के अंदर, ये मेरे पास डिस्काउंटेड आ गया, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा 20% के ऊपर, दिस सेल विल बी मल्टीप्लाई विद द नेट कैश लॉस, ठीक है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये मेरे पास सारे के सारे एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, किस रेट के ऊपर, 20% के ऊपर, और अगर मैं इसका सम लूंगा तो होपफुली मेरे पास आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आ गए, ये भी एक एनपीवी है। अब आपने लगाना है आईआरआर का फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरा गौर से देखना है। अगर हम रिकॉल करें तो आईआरआर का फॉर्मूला होता था लोअर रेट, स्टार्ट लोअर रेट से होता था, इज इक्वल टू लोअर रेट, एरो से लोअर रेट सेलेक्ट करो। देखो तुम मैनुअली भी कर सकते हो बट जब एक्सेल यूज कर रहे हो तो सेल के साथ लिंक किया करो, इज इक्वल टू लोअर रेट क्या करेंगे, प्लस प्लस, उसके बाद आप क्या करेंगे, एनपीवी एट लोअर रेट 90.64,
डिवाइडेड बाय दो चीजें, इसलिए ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी, लोअर रेट एनपीवी माइनस प्लस तो खुद फॉर्मूला करेगा ना, माइनस हायर रेट एनपीवी ब्रैकेट क्लोज। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, मैंने वो खुद ब खुद ये इतना वो है कि वो इस चीज को कर लेगा। क्या करेंगे, हायर रेट माइनस हायर रेट इज 20%, लोअर रेट कितना आ जाएगा 12%, तो मेरे पास 15.96 आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसको परसेंटेज में जाके कन्वर्ट करेंगे तो 15.96 मेरे पास आंसर आ रहा है।